आपका हमारे YouTube चैनल मेरा भारत समाचार में स्वागत है। क्रीमिया पर ड्रोन हमले को लेकर रशिया ने ब्रिटेन पर लगाया शामिल होने का आरोप। वहीं साउथ कोरिया से एक दर्दनाक खबर निकलकर आ रही है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्रीमिया पर ड्रोन हमले को लेकर रशिया ने ब्रिटेन पर लगाया शामिल होने का आरोप। यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले 8 महीनों से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। दोनों ही ओर से हमलों के बीच इल्जामों का दौर भी जारी है। रशिया ने क्रीमिया पर ड्रोन हमले को लेकर ब्रिटेन के शामिल होने का आरोप लगाया है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट में यूक्रेन पर विफल हमला किया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि कीव शासन ने काला सागर बेड़े के जहाजों और नागरिक जहाजों के खिलाफ आतंकवादी हमला किया है, जो सेवेस्तोपोल बेस की बाहरी और भीतरी सड़कों पर थे। हमले में 9 मानव रहित एरियल व्हीकल और 7 समुद्री ड्रोन शामिल थे। साउथ कोरिया में हेलोवीन प्रोग्राम में भगदड़ के बाद 151 लोगों की मौत। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के मार्केट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस वाले कार्डियक अरेस्ट की वजह से सड़क पर गिरे 50 के करीब लोगों को फिर से उठाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक हादसे में 151 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 लोग घायल हुए हैं। सियोल के बाजार में हेलोवीन प्रोग्राम के दौरान भगदड़ मचने के बाद वहां मौजूद लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। लोकल समाचार आउटलेट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम में लगभग 1,00,000 लोग शामिल हुए हैं। ये सभी लोग सैटरडे की रात को हेलोवीन मनाने के लिए मेगा सिटी के सेंट्रल जिले इटावन में जमा हुए थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।